हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट रजनी और एक बार फिर से आप सबका करती हूं स्वागत हमारे स्पेशल प्रोग्राम और हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। आज हम करने वाले हैं बात उस एक्टर को लेकर जो सिर्फ कोविड पॉजिटिव नहीं पाए गए बल्कि सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े ड्रग मामले पर गिरफ्तार भी हो चुके थे। इशारा समझ गए होंगे आप, हमारा इशारा किसी और की तरफ नहीं बल्कि एक्टर एजाज खान की ओर है। एक्टर एजाज खान जिनकी गिरफ्तारी एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े ड्रग मामले पर की थी और ऐसे में वो पूछताछ कर पहुंचना चाहते थे गौरव दीक्षित तक, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से यहां पर मामला पूरी तरह से बिगड़ गया, क्योंकि यहां पर एजाज खान निकले कोविड पॉजिटिव और कोरोना की चपेट में आने के बाद उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। अब ऐसे में आज हम करने वाले हैं खुलासा, एजाज खान की पत्नी और साथ ही उनके बेटे अलेक्जेंडर पर क्या है पूरी खबर, कौन है एजाज खान की पत्नी, कौन है उनका बेटा, कितने साल का है, उनका रिलेशनशिप कैसा है, सब पर करेंगे चर्चा, लेकिन यहाँ नहीं हमारी रिपोर्ट में। बीमारी के ठीक बाद एजाज खान की पत्नी और उनका बेटा आया सामने। जी हाँ, आपको बता दें कि बिग बॉस के 8th सीजन में नजर आने वाले एक्टर एजाज खान की पत्नी को लेकर हो रहा है चौंकाने वाला खुलासा। ये बात तो हर कोई जानता है कि एजाज खान बिग बॉस के 7वें सीजन में नजर आ चुके हैं, जहां एजाज खान को नंबर 1 मानस के नाम से जाना जाने लगा था। एक चीज और कि 7वें सीजन में देखने को मिली थी वो थी इश्क मिजाजी एजाज खान की, क्योंकि एजाज खान 7वें सीजन में गौहर खान के आसपास मंडराते हुए नजर आते थे। वैसे आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि एजाज खान शादीशुदा है और उनका एक बेटा भी है। खबरों की माने तो बिग बॉस 7 में गौहर के लिए उनका अट्रैक्शन के चलते उनकी पत्नी एंड्रिया उनसे काफी नाराज हो गई थी, जिसके बाद दोनों ने अलग होने का फैसला भी लिया था। वो तलाक की अर्जी भी दायर कर चुकी थी। हालांकि दोनों ने आज काफी अच्छे दोस्त हैं और उनका बेटा अलेक्जेंडर एंड्रिया के साथ रहता है। बता दें कि 1980 में अहमदाबाद गुजरात में जन्मे एजाज खान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी शो रहे तेरा आशीर्वाद साल 2008 से की थी। हालांकि बताया ये जाता है कि वो पहले मॉडलिंग करते थे और उससे भी पहले वो न्यूयॉर्क में कैबी थे और टैक्सी चलाया करते थे। आपको बता दें कि कुछ चुनिंदा टीवी सीरियल्स हैं जिसमें एजाज खान काम कर चुके हैं। सबसे पहला है रहे तेरा आशीर्वाद साल 2008, उसके बाद कहानी हमारे महाभारत की साल 2008, करम अपना अपना साल 2009, बिग बॉस 7 रियलिटी शो साल 2013, फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी रियलिटी शो साल 2014। बात करें एजाज खान की चुनिंदा फिल्म्स की तो बता दें कि सबसे पहली 2009 में आई थी एक द पावर ऑफ वन, उसके बाद साल 2010 में आई थी अल्लाह के बंदे लकीर के फकीर और साल 2010 में आई थी रक्त चरित्र 2, साल 2011 में आई थी बुढ़ा होगा तेरा बाप, साल 2013 तेलुगु फिल्म नायक में नजर आए थे एजाज खान और उसके बाद तेलुगु फिल्म साल 2013 में ऑस्ट्रेलियन बादशाह में भी नजर आए थे एजाज खान। बता दें कि एजाज खान आज भी अपनी पत्नी एंड्रिया और बेटी अलेक्जेंडर को साथ अपना वक्त गुजारना काफी ज्यादा पसंद करते हैं और अक्सर उन्हें एक साथ स्पॉट भी किया जाता है। नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी की रिपोर्ट। तो ये था आज का स्पेशल प्रोग्राम जिसमें एजाज खान की पत्नी एंड्रिया और साथ ही उनके बेटे अलेक्जेंडर पर किया हमने खुलासा कि उनकी पत्नी और उनका बेटा कौन है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, गुड बाय।